Hello candidates and welcome to Government Crackers. So if I talk about FCAT 2020, hardly 2 to 3 days are left for the examination. Now this 2 to 3 days, what you exactly need to do before 2 to 3 days of examination. आपको पता है अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए हैं एंड आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ टू टेल यू फॉर दिस एफकैट 2020 एग्जामिनेशन बिकॉज ये कोविड का टाइम है. आपको पता है बहुत सारे प्रोसीजर्स चल रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी आपके एग्जामिनेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. सो कोविड को देखते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अगर आपको पता हो कि रिसेंटली रिपोर्ट आई है जेई के एग्जाम में कुछ कैंडिडेट्स के बॉडी टेम्परेचर जो हैं वो काफ़ी हाई थे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से एंड इस वजह से उन्हें एग्जाम देना अलाउ नहीं किया गया. सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं थे, उन्हें कोविड नहीं था. सो व्हाट वाज द रीज़न, इसके बारे में हम बात करेंगे और इसी वजह से मैंने ये सेशन आपके लिए यहाँ पे बनाया है दैट व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू डू. कम से कम 2 दिन पहले आप इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें बिकॉज वी हैव ऑल्सो पास थ्रू द सिमिलर स्टेज और जब हमने अपने टाइम पे एग्जाम दिया था तो ये सेम कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की थी एंड आई वुड लाइक टू शेयर देम विथ यू ऑल जो भी इस एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो या फ्यूचर में आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो. तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं चीज़ों को और साथ ही मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ FCAT 2020 वेर यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज टू स्कोर 180 प्लस. ठीक है, सो एक एक करके पहले डिस्कस करते हैं फिर हम और बात करेंगे डिटेल में इस बारे में. सबसे पहले आपको जो करना है, जो अभी कोविड के एग्जाम्स हुए थे चाहे वो जेई मेन्स हो गए, आपके जेई एडवांस हो गए एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन, सो उनको देखते हुए कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ टिप्स हैं जो लास्ट मोमेंट पे मैं आपको देना चाहूँगी या कह सकते हैं आप शेयर करना चाहूँगी. सबसे पहले कैंडिडेट्स, आप प्लान कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए अपनी चीज़ों को, यानी जो आपका राइटिंग मटीरियल है, जो आपका एडमिट कार्ड है, जो आपका जो भी मटेरियल आपको ले जाना हो, आपके आईडी प्रूफ्स हो गए, कोविड के सर्टिफिकेट्स, जो भी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन को लेके, उनको आप एक फोल्डर में बना के एज इट इज़ रख लें और उसको फिर आप टच ना करें. ठीक है, यानी आपको पता है कि आपके राइटिंग मटेरियल और एग्जामिनेशन मटेरियल पूरा प्रिपेयर्ड है जिसमें आपके जेरोक्स कॉपीज हैं, रिक्वायर्ड आईडी प्रूफ्स हैं. आप अपने एडमिट कार्ड को प्लीज़ बहुत डिटेल से पढ़ लीजिए और एक एक गाइडलाइंस जो भी उसमें रिक्वायर्ड हैं, जो आपकी किट है कोविड 19 किट, उसको भी आप एक जगह पूरा करके रख दें ताकि जो लास्ट मिनट एक हसल क्रिएट हो जाता है वो आप अवॉइड कर पाएं, विच इज़ अगेन अ सिचुएशन जहाँ पे पैनिक क्रिएट हो जाता है और हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो सबसे पहले इस सिचुएशन में जहाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है हमारे अराउंड, वी हैव टू कंट्रोल आर मेंटल सिचुएशन. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये करें. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अवॉइड डिस्कशन. जैसे आई डोंट नो बट ये इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, किसी को बातें करना अच्छा लग सकता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, ओपिनियन कैन वेरी. होता क्या, लास्ट मिनट पे जब हम एग्जामिनेशन रिलेटेड बात करते हैं, यानी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने फैमिली में भी किसी से बात कर रहे हो, तो हम एग्जामिनेशन रिलेटेड बात करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ आपको कोई टॉपिक याद आ जाता है या कोई ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन हो जाता है, फिर आपको लगता है ओ माई गॉड आपने तो इस टॉपिक पे पढ़ाई ही नहीं की. ठीक है, उस सिचुएशन में अगेन आप पैनिक के सिचुएशन में आ जाते हो, फिर आप फटाफट से बुक्स खोलते हो या इंटरनेट पे सर्च करते हो कि मुझे ये भी पता होना चाहिए, शायद एग्जामिनेशन में पूछा जाए. तो ऐसे डिस्कशंस या एग्जाम रिलेटेड डिस्कशंस जो हैं, जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो प्लीज अवॉइड करिए. यानी मैं कहूंगी कि लास्ट 2 दिन एटलीस्ट अपने आप को टाइम दीजिए. अवॉइड ऑल सोशल मीडिया, अवॉइड योर फ्रेंड सर्कल इफ यू कैन, एंड फैमिली मेंबर्स में भी आप इस चीज को बता दें कि 2 दिन पहले आप ऐसी कोई चीज ना डिस्कस करें जो अगेन आपके माइंड को सेटल सिचुएशन को अनसेटल कर दे. ठीक है, ये मैंने बोला कि इंडिविजुअल वेरी हो सकता है बट मोस्टली जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है वो यही फैक्ट है. Then next is just revise what you have learned so far. अभी तक अब last 2 दिन में you have to make you feel confidence. You have to encourage yourself कि यार आपने बहुत preparation कर लिया. अब ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हो पिछले 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, ठीक है, जितना भी आपने पढ़ा हो सारे टेंशन सारे स्ट्रेस को भूल जाइए और आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि नहीं यार आपने बहुत पढ़ाई की है और यू विल क्लियर
दिस एग्जामिनेशन विद गुड मार्क्स. और जो भी इसलिए आपने पढ़ा हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो, चाहे वो मैथ्स का पार्ट हो, इंग्लिश का पार्ट हो, एक क्विक रिविजन आप जो है विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड सीकिंग रेस्ट, दोनों चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं. प्रॉपर बॉडी रेस्ट दीजिए और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप अपने रिविजन सिर्फ उतना ही करिए जितना आपने अभी तक पढ़ा है, नथिंग न्यू. और किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको जाके कुछ भी नहीं देखना है लास्ट टू मिनट्स में, ठीक है. नेक्स्ट इज हमेशा ये पैनिक होती है हमारे माइंड में कि करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स. यार, करंट अफेयर्स इज नॉट द ओनली सेक्शन विच कैन जज योर पोटेंशियल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. देयर आर वेरियस अदर सेक्शंस आल्सो. और करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, टोटल 25 क्वेश्चंस एफ कैट में जीके के पूछे जाते हैं. अगर आपने पूरा कैटेगरी जो सेग्रीगेशन है क्वेश्चंस का वो देखा हो, 25 क्वेश्चंस में से आप ये मानिए कि 10 से 12 क्वेश्चंस तो आपका स्टैटिक जीके और बाकी के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है उनसे पूछ लिया जाता है. तो 7-8 क्वेश्चंस के लिए व्हाई यू वांट टू यू नो डू नॉट गिव योर एग्जामिनेशन नाइसली. सिर्फ 7-8 क्वेश्चंस को पैनिक करके आप पूरा का पूरा अपने माइंड का मेंटल लेवल को इतने स्ट्रेस में ला रहे हैं जिसकी वजह से बाकी सेक्शंस पे भी इफेक्ट पड़ने के पूरे पूरे चांसेस है. सो इट इज़ फाइन अगर आपने करंट अफेयर्स जितना भी पढ़ा हो, अगर आप 7-8 में से 2-3 क्वेश्चंस भी आंसर कर पाते हैं तो फेयर इनफ. करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पोर्शन इज नॉट गोइंग टू जज कि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर पाते हैं कि नहीं. रीजनिंग हैज 32 क्वेश्चन, English has 25, current affairs has 25 and maths has 18 questions. तो आप देखिए कि आप बाकी कहां अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. तो इसके लिए भी अगेन डू नॉट गेट इन अ पैनिक सिचुएशन. फिफ्थ वन इज, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा कि एक सेक्शन, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, अगर आप मैथ्स में वीक हों, इंग्लिश में वीक हों, जीके में वीक हों या स्टैटिक पोर्शन में वीक हों, एक सेक्शन आप पीछे मत पढ़िए. जैसे मैंने बोला, आप अपने आप को एनकरेज करें कि जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और अब आप सिर्फ उतना रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एम 60 करेक्ट क्वेश्चंस टू यू नो स्कोर गुड, जहाँ पे आप इजीली एंड स्मूथली क्रिस्टल क्लियर वे में अपने मार्क्स को, अपने एग्जाम को क्लियर करेंगे. दैट यू नीड टू एम 55 से 60 क्वेश्चंस आप एम करिए कि आप क्लियर करेंगे और वो मेक श्योर ऑल द क्वेश्चंस आर करेक्ट. तो जैसे ही द मोमेंट यू क्रॉस 60, अगर उसके बाद आपको क्वेश्चंस आते हैं दैट इज अ प्लस पॉइंट, नहीं आते हैं सो छोड़ दीजिए. रेस्ट 40 क्वेश्चंस आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल उन पे हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू यू नो मेक योर माइंड थिंक लाइक दैट. हमेशा यही गलती हो जाती है कि हम अटेम्प्ट करते हैं और वहाँ पे हमारी नेगेटिव मार्किंग आती है जिसकी वजह से सही क्वेश्चंस भी हम गलत कर देते हैं. एग्जामिनेशन प्रेशर कह लीजिए या पेपर को अच्छे से हम जो है मैनेज करना नहीं आता, फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं या पेपर की चीज़ों को समझ नहीं आता उस टाइम प्रेशर के अंदर, तो जो भी रीजंस है यू हैव टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस इफ इट इज देयर. नेक्स्ट इज कोशिश करिए कि आप अपने जो भी सेक्शंस हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या होता है कि पैराग्राफ पढ़ने में आपका टाइम चला जाता है, देन फिर आप वो एंटोनिम्स एनोनिम्स देखेंगे, फिर उसमें अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आपको दिख गए तो एक अगेन घबराहट हो जाती है और उस टेंशन में आप फिर परेशान हो जाएंगे कि अच्छा मुझे तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आए. इन केस ऐसा होता है तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि उस केस में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप रीजनिंग, जो कि बहुत इजी सेक्शन होता है, रीजनिंग से आप अपने क्वेश्चंस को शुरू कर सकते हैं, या क्योंकि हमने करंट अफेयर्स को ब्रश अप किया होता है एग्जामिनेशन के बाहर तक, तो उस केस में आप एग्जामिनेशन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि ठीक है भाई ये 25 क्वेश्चंस हैं जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने वो रटे रटाए क्वेश्चंस आ गए, आपने पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन देखोगे, पढ़ोगे एक बार और फटाफट उसके आंसर कर दोगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा. सो वहाँ पर आप ये क्या कर सकते हो कि आप 25 क्वेश्चंस एटलीस्ट करंट अफेयर्स के देख लो कि आपको क्या क्या आता है, क्योंकि आपने रिसेंट करा होता है, बाद में एग्जामिनेशन के चक्कर में जहां पे हम ज्यादा टाइम डिवोट करके आते हैं तो हम फिर अगेन कुछ कुछ आंसर्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए आंसर्स हमारे गलत हो जाते हैं. तो उस केस में अवॉइड करने के लिए मैं ये कहूंगी कि आप करंट अफेयर्स के सेक्शन से भी शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे एक बार आपको फटाफट गो थ्रू करना है और जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हो आप उनके आंसर कर दीजिए. नेक्स्ट इज, जैसे कि आपको पता है ये बहुत बेसिक चीज है बट स्टिल हम एग्जामिनेशन के चक्कर में एक एक क्वेश्चन पे लगे रहते हैं, ठीक है. तो वहां पे आपको करना क्या है कि आपने एक बार या दो बार क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ आया, आपको लग रहा है कि आपको डाउट है, नहीं आंसर कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप पहले फटाफट सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट हैव अ लुक, एक बार दो बार पढ़िए, आंसर देखने की कोशिश करिए, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो तुरंत स्किप, डू नॉट वेस्ट योर टाइम.
उसके अलावा जब हम एग्जामिनेशन देते हैं तो होता क्या है कि हमारी नज़र बार बार क्या होती है, घड़ी पर होती है, टाइमर क्लॉक पे होती है, जो वो यू नो माइनस में जा रहा होता है. उसकी वजह से फोकस हमारा दो जगह होता है. एक तो हम क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़ना पड़ जाता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो टोटली वो उस घड़ी पे देख रहा होता है. तो ऐसा नहीं है कि आपको क्लॉक या टाइमर देखना ही नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करना है. बट एटलीस्ट मैं कहूँगी स्टार्टिंग के आधे एक घंटे तो आप आराम से फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में भी प्रॉपर आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपके 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं या 1 आवर कंप्लीट हो गए हैं, 1.5 आवर कंप्लीट हो गए हैं, 30 मिनट्स रिमेनिंग है, 10 मिनट्स रिमेनिंग है. तो उस टाइम पे आप क्लॉक को देखिए, अदरवाइज आप अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करिए. एटलीस्ट एक घंटा तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल आप टाइमर देखिए ही मत, और जो आपने इनिशियल प्रैक्टिस की है कि फटाफट क्वेश्चंस को स्किप करके देख के और बिना उन पर टाइम वेस्ट किए आप एटलीस्ट सारे क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करने की कोशिश करिए, ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस रीज़न की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने डिस्कस करा था, क्योंकि कोविड का टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अंडर स्ट्रेस हैं, ठीक है, और होना भी चाहिए क्योंकि आपके करियर का टाइम है. बट देन इतना ज़्यादा भी मत करिए दैट यू लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर हैंड. तो ये न्यूज़ में भी था दैट फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ जेई मेन्स एंड एडवांस, क्योंकि उन्होंने दिन रात अपनी जो है पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से हुआ ये था कि वहाँ पे एक पैनिक के वहाँ पे उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई हुआ था क्योंकि उन्होंने प्रॉपर बॉडी रेस्ट नहीं लिया था. सो उस केस में वंस अगर आपका टेम्परेचर हाई आता है, इन एनी केस यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन टू द एग्जामिनेशन. तो ऐसी सिचुएशन फेस की गई थी, इसीलिए कैंडिडेट्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपने इतनी मेहनत की है, लास्ट डे बिफोर एग्जामिनेशन बिफोर दैट नाइट प्लीज़ आप अच्छे से जो है कंप्लीट 8 आवर्स की स्लीप लेके जाएं विदाउट एनी टेंशन और प्रॉपर, क्योंकि वेदर भी ऐसा है तो आप अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट करते रहिए, पानी की कमी मत होने दीजिए, प्रॉपर प्रिकॉशंस रखिए और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन को दीजिए, यानी कंप्लीट बॉडी रेस्ट दीजिए. दिस वाज माय मेन मोटिव टू मेक दिस सेशन फॉर यू ऑल. रेस्ट आई एम गिविंग यू दिस चैलेंज, लेट्स मेक इट लिटिल फनियर हियर. एक्सेप्ट द चैलेंज दैट यू विल स्कोर 180 प्लस एंड देन यू विल कम बैक टू मी एंड राइट अ कमेंट आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशन दैट येस यू हैव स्कोर्ड 180 plus and we'll together prepare for AFSBs further. So best of luck to everyone, every candidate. I just wish that each of you clear the examination and get ready for the next stage, that is AFSBs. ठीक है, सो टेक अ प्रॉपर स्लीप, टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉर कोविड 19 एंड बेस्ट ऑफ लक. जय हिंद.